तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री। ठीक है, ये पहले समझने की कोशिश करना ढंग से क्वेश्चन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री इंसिडेंट हुआ, प्रिज्म एंगल 60 है ए, एंड मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होल्ड होता है थ्रू द प्रिज्म। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड म्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो ये दोनों डेटा अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो सिंपल है सवाल। इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए अगर मैं देखो यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से एक प्रिज्म बना लेते हैं, और मिनिमम डेविएशन के केस में जब भी मिनिमम डेविएशन होता है तो यहाँ से अगर रे आती है, ये वाली रे आती है, तो ये जो रे है ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। ये वाली लाइन इस लाइन के बेस के पैरेलल होती है, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे है और यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक ना, ये नॉर्मल N1 और ये नॉर्मल N2, और ये जो एंगल A है वो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ये कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 45 डिग्री है। दिस इज द एंगल इज 45 डिग्री इज ऑलरेडी गिवेन हियर, एंड यहाँ से जब ये 45 है तो जो मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम I1 बोलते हैं और इसको हम I2 बोलते हैं, इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं। तो I1 बराबर होता I2 बराबर होता I, मतलब ये 45 डिग्री। R1 बराबर होता R2 बराबर होता R, और R1 प्लस R2 का सम A के बराबर होता, मतलब 2R इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, तो R आ गया 30 डिग्री और I आ गया यहाँ से 45 डिग्री। तो जो ये कहता है मिनिमम डेविएशन, जो डेविएशन होता है वो मिनिमम डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। तो डेल मिनिमम के डेविएशन जो वो होता है 2i माइनस ए। तो 2i मतलब 45 और माइनस ए, दैट इज यहाँ से 60 डिग्री। तो यहाँ से 90 माइनस 60, दैट इज यहाँ से 30 डिग्री अपने पास मिल जाएगा। 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन यहाँ से मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे देखोगे तो 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब जब मैं डेविएशन में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो यहाँ से जो म्यू है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का फॉर्मूला, साइन ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साइन यहाँ से ए 60 प्लस मिनिमम डेविएशन यहाँ 30 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से साइन यहाँ से, और ए 60 बाई यहाँ से 2, तो यहाँ से 90, दैट इज यहाँ से साइन 45 डिवाइडेड बाय यहाँ से साइन 30। ठीक ना, साइन 30, तो साइन 30 यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/√2। तो √2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो फाइनली जो है √2 बचेगा। तो जो म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √2, और जो एंगल आ जाएगा वो 30 डिग्री, मतलब ये अपना डी ऑप्शन सही हो जाता है।